मित्रों, मैं अभी भी यहीं पर हूँ अपने गंगेड़ा हिल्स पे। जी मैं तुसें पहले सुनाया कि इतें इस वेले धुप बिल्कुल सामने दी है, तुसीं दिख सकते हो। मैं अपनी मेरी अखें भी मटोवा दी हैं ते व्यू जेड़ा है वह अजें शैल नहीं लभे करता है। ते मेरे एक्सपीरियंस करने अं तुसें गी इयै सजेस्ट करगा कि जेकर तुस इत्थे सवेरे सवेरे आओ तां जिस वेले सूरज बिल्कुल जिस वेले सूरज चढ़दा है ते उस वेले जेकर अस इत्थे आउचै तां मेरे ख्याल च व्यू बड़ा शैल तुसें गी लब्भना। खैर, मतलब खासकर अगर मैं गल करां कैमरे शैमरे अगर तुसें कोई फोटो बगैरा या कोई वीडियो बगैरा लैनी होवे दोपहरी, अगर तुस खासकर व्लॉगिंग दे मामले च या अगर तुस फोटो बगैरा दे मामले च इत्थे आए करदे हो तां सो आई वॉन्ट रिकमेंड यू दिस टाइम जिहड़ा कि इस वेले 2-3 दे करीब जिस वेले टाइम होया करदा है। ईवन मैं इत्थे 1 बजे तक पुज्जे दा ते व्यू ना सही नहीं आया करदा है। लेकिन हाँ, अगर तुस मतलब इ'यां गै आए दे हो, थोड़ा कोई मकसद व्लॉगिंग दा नहीं है या कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दा नहीं है, दैन डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू कम हियर। मित्रों, एक चीज़ मैं जरूर तुंदे कन्नै इक होर शेयर करना चाहुंदा। अस अपने घर हमेशा सफाई रखने आ ते ओबियस गल है कि जिस वेले अस साढ़े अंदर त्राड़ पेदा होवे, गंद पेदा होवे ते साढ़ी माता होर या साढ़े पिता होर जिस वेले असें दिखदे न कि अस इ'यां अंदर त्राड़ पाए दा, गंद पेदा, ते केह् होंदा? ओबियस है, निखर पौंदी, दड पौंदी। ते मित्रों, एक गुजारिश अ'ऊं अपने उधमपुर वासियें गी करना चाहना, जेके साढ़े जवान मित्र इत्थे होंदे न, कि एह तुंदी जानकारी आस्तै है, जेह्ड़े इत्थे पैह्ले आए दे न उंदे आस्तै भी, जेह्ड़े इत्थे अजें आने दी सोचे करदे न। सारे कोला पैह्ले गल, जिस वेले तुस घरा निकलो, किश गल्लां तुसें अ'ऊं सुनाना चाहना तां जे तुस जदों भी इत्थे आओ तां बिल्कुल तैयारी कन्नै आओ। सारे कोला पैह्ले, इत्थे कोई दुकान वगैरह नहीं है जिस थाह्र अ'ऊं खड़ोते दा, ते तुस इस तो तुस एह् सोची नहीं आओ कि इत्थें कोई ना कोई असेंगी हट्टी लब्भी जानी ते कोई कोल्ड ड्रिंक या चिप्स बगैरा या कोई टी स्टाल बगैरा असें लब्भी जाना ते अस इत्थें किश ना किश चाह बगैरा पी लैगे। ते सारे कोला पैह्ले ध्यान देने आह्ली गल है, इत्थें ओह् चीज़ नहीं है। दूई गल, मित्रों, इत्थें पानी का भी कोई साधन नहीं है। जेकर तुसें कुतै त्रेह लगी आए ते पानी का भी कोई साधन नहीं है। हाँ, आंढी गुआंढी इत्थें किश घर हैन, अगर कोई ज़्यादा गै एमरजेंसी होई जाए तां तुस मेरे ख्याल च इत्थें आंढी गुआंढी आ ते घर जाइयै तुस पानी लेई सकदे हो। लेकिन हाँ, इत्थुआं उप्परा दा गै आला देओ क्योंकि मेरे ख्याल च इन्हें कुत्ते पाले दे न ते कोई भी किश नुकसान होई सकदा, ते हुशियार रहो। ते मित्रों, अ'ऊं तुसेंगी इ'यै सुझाव देना चाहना, इ'यै रिकमेंड करना चाहना कि जिस वेले भी तुस कदें इत्थें आने का प्लान बनाओ, अपने घरा दा गै या ते जिस रस्ता तुस आए करदे हो उत्थुआं हट्टिया दा गै, खल्लां दा गै, तुस अपने सारे खाने पीने का समान जो भी तुस मतलब इंजॉय करना चाहते हो तुस इत्थें लेई आओ। इत्थें कोई टी स्टाल, कोई दुकान वगैरह नहीं है। ते त्री गल, मित्रों, बड़ी गै खास, अ'ऊं अपने सारे वासियों की, मैं अपने सभी वासियों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस जगह पे कोई भी डस्टबिन नहीं है। और डस्टबिन ना होने की वजह से हमारे कुछ मित्र लोग यहाँ पर आए होंगे और उन्होंने जो भी सामान वो अपने साथ लाते हैं और वो सारा का सारा कूड़ा यहीं पर डंप हो जाता है। मैं दिखाऊंगा वो साइट आपको। तो मित्रों, अपना देशवासी होने के नाते, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं और सिर्फ हमारी पढ़ाई जो है वो हमारे शब्दों में नज़र ना आए परंतु हमारे कार्यों में भी नज़र आए, सो वी नीड टू बी प्रैक्टिकल, यू नो। तो देश हमारा धरोहर है और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार जिस प्रकार हम अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, तो मित्रों ज़रूरी है कि हम ऐसी जगहों पर भी जब आएँ तो अपना सामान, जो भी हम खाने पीने का, जो भी रैपर्स हों, पैकेट्स हों, बॉटल्स हों, वो सब क्या करें कि आप इस्तेमाल करके उसे वापस अपने उसी बैग में या पॉलीथीन में जिसमें वो आप कैरी करके लाए थे उसमें डाल दें। तो उससे क्या रहेगा कि जो आने वाले और भी हमारे मित्र लोग होंगे वो भी यहाँ पर आकर इस स्वच्छ वातावरण का लाभ उठा सकते। तो मैं यही गुजारिश करूँगा अपने सारे मित्रों से जो यहाँ पर आकर ये कुछ ऐसा कर चुके हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी आप भविष्य में आए या जो कभी नहीं आए और जो आने वाले हैं वो हमेशा यहाँ पर क्या करें कि जो कूड़ा वगैरह है, देखिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, सी यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ बोटल्स वगैरह खा पी कर लोगों ने यहीं पर फेंके हुए हैं और ये अच्छी बात नहीं है। ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, हमने यहाँ पर एक दफ़ा नहीं आना। सो मित्रों, एक पहल मैं करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ताकि जो मेरे भाई जवान हैं उन्हें भी इस बात से प्रेरणा मिले। सो मैं क्या करूँगा, मुझे अभी यहाँ पर एक बैग मिला हुआ है, यहाँ पर ये थोड़ा आप देख सकते हैं एक बोरा सा कुछ है,
तो मैं ये सारा जो कूड़ा करकट है मैं इस बैग में डालूंगा और नीचे हाउसिंग कॉलोनी में कोई डस्टबिन में डालूंगा. सो माई पर्पज़ टू डू दैट, जस्ट वॉन्ट टू एनकरेज एवरीबडी वैन यू कम हेयर डोंट डू दिस. सो मैं इस पूरे कूड़े को जितना मुझसे हो सकता है मैं आई विल पिक इट अप, जितना मुझसे हो सकेगा जो मुझे दिख रहा है सामने मैं उसको उठाऊंगा ताकि आपको प्रेरणा मिले. तो मित्रों आओ तुसें गी दस्सना चाहना जियां कि तुसें दिक्खिया कि थल्ले पहले किन्ना गंद पेदा हा, ये जेहड़ा असें गंद किश किट्ठा कीता है तुस नज़र मारी सकदे हो. तो मेरी इक्को गुजारिश है कि मेहरबानी करिए जदों भी तुस इत्थे आओ, ये साड़ी अपनी प्रॉपर्टी है, साड़ी अपनी धरोहर है, अपने कन्नै इत्थे कोई डस्टबिन नहीं है. तुसें मैं जियां पहले सनाया तो उस वास्ते तुस केह् करो कि जिस लफाफे विच जां जिस बैग विच तुस जो भी अपने आस्तै आंदे हो खाने आस्तै उन्हें सारी चीज़ें गी तुस उसे बैग च परतियै वापस लेइयै जिस वेले तुस वापस जंदे हो रस्ते च कुतै डस्टबिन थ्होंदा है तां डस्टबिन च पाई ओड़ो. ते मित्रों जिस वेले मैं ये काम करे करदा हा मेरे दो मित्र इत्थे आए, साढ़े जवान बच्चे ने, इंदे कन्नै भी जनाब अस गलबात करने के, इन्हें भी थोड़ा मेरे कन्नै हत्थ बटाया ते इंदे कन्नै भी गलबात करके. ब्रदर बहुत बहुत थैंक यू आपका सबसे पहले कि आपने थोड़ा जब मुझे देखा कि थोड़ा मैं कूड़ा करकट उठा रहा हूँ थोड़ा इस तरफ आएंगे तो थैंक यू सो मच आपके लिए भी. तो आपका शुभ नाम एक बार फिर से जानना चाहूंगा. माय नेम इज समक्ष बिलगोत्रा, समक्ष बिलगोत्रा, समक्ष मलगोत्रा. और आपका नाम? माय नेम इज तनु सिंह. तनु सिंह, ओके. सो लेट्स सिट ओवर देयर एंड देन लेट्स हैव अ चैट फॉर अ व्हाइल. सो सबसे पहले बैठिए बैठिए. तो व्हेन यू वर सीइंग मी यू नो व्हेन आई वाज ट्राइंग टू क्लीन ऑल द स्टफ, so well you have already told in your vlog that the message which was supposed to be, yes, given to the people, so once again I would like you to speak in my camera. Okay. That what message I give you? Message this is a कि अगर आप कोई भी प्लेस में आते हो तो अपना गन अपने साथ ही ले जाइए, क्योंकि इधर डस्टबिन तो है नहीं. जब डस्टबिन आएगा तो आप डस्टबिन आएगा आप डस्टबिन डाल सकते हैं. जब तक गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती डस्टबिन तब तक आप अपने बैग में यूज़ कीजिए, ऐसे गन मत चलाइए. तो इससे क्या होगा कि पब्लिक आना बंद हो जाएगी और हमारा गन पड़ा रहेगा. साफ सफाई करने के लिए आप तो करोगे नहीं, आप तो खाओगे चले जाओगे. तो हम ही सफाई करेंगे, आप भी करो. हम ये कहते हैं कि हम भी सफाई करें, आप भी देखो तो आप भी सफाई कीजिए. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे कि हम मतलब मित्रों जिया कि अस दिखाने हैं कि तुसे भी दिखा कि अस केह् करा दे हे, कुसै होर दा पाए दा कूड़ा जेह्का है अस चुक्का दे हे, लेकिन साढ़े किश मित्र आए. ते साढ़ा मकसद एह् नी है कि मतलब तुसें गी वीडियो सनाए दे मतलब बनाइयै ते असें अपने आप गी म्हान दस्सना, नहीं. साढ़ा अपना घर है, साढ़ी अपनी धरोहर है, साढ़ा अपना उधमपुर शहर है और अस एह् चाहन्ने आं कि साढ़े उधमपुर शहर दी जेह्की शैल शैल जगह दिक्खने आह्लियां उत्थें सिर्फ अस गै नहीं पर बाह्रा दा भी लोग आन. ते इस संदेश कन्नै मैं अपने दोनों भ्राएं दा भी शुक्रगुजार आं जिन्हें मेरी हैल्प कीती. ते मित्रों तुंदे अग्गे इयै गुजारिश है कि जदों तुस इत्थे आओ सो प्लीज़ बी केयरफुल और हमेशा साफ सफाई रखो. और जियां कि साढ़े प्रधानमंत्री होरें भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, उस अभियान कन्नै अस सारे जुड़ियै अस अपने देश गी, अस अपने शहरें गी, अपने ग्राएं गी, अपने घरें गी हमेशा साफ रखचै.
तो मित्रों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ से उधमपुर का नज़ारा दिखाऊँ, बट बस धूप की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। बट डेफिनेटली आई रिकमेंड यू टू कम दिस प्लेस, आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हिल टॉप पे आप बिल्कुल उधमपुर शहर का पूरा नज़ारा, पूरे उधमपुर का नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। और ख़ासकर मित्रों जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आप यदि आना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड कम बाय द मॉर्निंग, और अगर शायद मेरे ख्याल से ये नज़ारा और भी खूबसूरत हो सकता है जब हम यहाँ पर रात को रहें। आई मीन ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड अ नाइट हियर, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग प्लान करके यहाँ पर रहना चाहते हैं, जैसे कि एक टेंट लगाकर, बट आई डोंट नो इफ़ इट इज़ पॉसिबल। लेकिन गर्मियों में खास कर यदि आप यहाँ पर अंधेरा होने तक थोड़ा वेट करें तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू, क्योंकि अंधेरा हो चुका होता है और शाम को, रात को खासकर जब बिजली, जब पूरा शहर अंधेरे में है और सब लोगों ने लाइट्स वगैरह ऑन की हुई हैं, तो डेफिनेटली आई कैन इमेजिन व्हेन आई वाज इन मसूरी उत्तराखंड। सो व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार और मे बी राइडिंग ऑन द बाइक, सो डेफिनेटली व्हेन यू आर मूविंग टूवर्ड्स देहरादून फ्रॉम मसूरी, तो रास्ते में यू नो देहरादून भी ऐसा ही दिखता है और उसका नज़ारा भी ब्यूटीफुल होता है। सो आई कैन इमेजिन दैट सॉर्ट ऑफ व्यू। फिर भी मैं एक बार दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ से व्यू, और अगर कहीं और से भी दिख जाए तो। ये एक और तरफ से मैं व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वही समस्या है कि सूर्य सामने है। चलो खैर मित्रों, मैं यहाँ से अभी निकलने वाला हूँ, और ये रहा कूड़ा करकट वाला बोरा, जिसको मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा, ताकि इसको कहीं डस्टबिन में, अगर मुझे प्रॉपर डस्टबिन मिले वहाँ पर मैं इसको फेंक दूँ। उम्मीद करता हूँ ये फटा हुआ ना हो। सो गाइस आई एम मूविंग बैक टूवर्ड्स द सिटी। तो दोस्तों मैं वापस जा रहा हूँ डाउनटाउन में, और देखते हैं इफ़ आई फाउंड समवेयर द डस्टबिन, तो हम यहाँ पर फेंकते हैं इसको। देखते हैं अगर बीच में कुछ बातचीत का सबब बनता है, सो बने रहिए।